प्रेजेंट इन नेक्स्ट क्लास हमने स्टडी किया था रूट के बारे में, नहीं क्या के बारे में आपने देखा कि रूट टाइप्स ऑफ रूट तो आप जानते हैं कि रूट का डेवलपमेंट कहां से होता है, रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से होता है। आपने टाइप्स ऑफ रूट देखा तो आपने कितने तरह से डिवाइड किया इसको, आपने दो तरह से डिवाइड किया, एक था टैप रूट, दूसरा था फाइबरस रूट या डिवाइड। आप जानते हैं स्टूडेंट कि हमें देखा था कि टैप रूट में क्या था, टैप रूट में आपने देखा कि मेन रूट से क्या होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट का फंक्शन टैप रूट। एग्जाम्पल ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। फाइबरस में क्या देखा था कि स्टेम से राइज करता है फाइबरस प्लांट, ये जो फॉर्मेशन ऑफ द मेन रूट या टैप रूट, दैट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द मोनोकोटिलेडोनस। टूडे स्टार्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। स्टूडेंट आप जानते हैं कि सिर्फ आप लोगों ने जाना है कि रूट जो है ये प्लांट को जकड़े हुए रहता है, लेकिन उसका डिफरेंट फॉर्म क्या होता है, उसका डिफरेंट फॉर्म ही मॉडिफिकेशन कहा जाता है। डिफरेंट किसी का भी, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो, अगर यहां हम डिस्कस कर रहे हैं रूट के बारे में तो मॉडिफिकेशन का मतलब ही होता है डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है उसे आप मॉडिफिकेशन का कहा जाता है। स्टूडेंट आप जानते हैं इस मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते, कितने भाग में, दो भागों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, पहला क्या मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, दूसरा क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट। कितने भाग में इसको डिवाइड किए, टैप रूट मॉडिफिकेशन, दूसरा क्या है एडवांटेजियस रूट मॉडिफिकेशन। आप जानते हैं कि इस टैप रूट को आप ऑन द बेसिस ऑफ दो बेस पे इसको आप डिवाइड करेंगे, कितने बेस पे डिवाइड करेंगे, दो बेस पे डिवाइड करेंगे। पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस के आधार पे इसको डिवाइड कर दिया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। आप वैसे भी जानते हैं अगर ये डिफरेंस नहीं बता सकता है स्टूडेंट कि किसको कहा जाता है, क्या एग्जाम्पल है रूट का, तो यहां जाते हैं कि जो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड उसको डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आप जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जो फंक्शन है, जो टैप रूट का मॉडिफाइड रूट है उसको कहा जाता है नेमेटोफोर्स। क्या कहा जाता है इसको, कहा जाता है नेमेटोफोर्स कहा जाता है। ये ऐसा रूट है जो कहां मिलता है, ये पाया जाता है सीशोर एरिया, कहां पाया जाएगा सीशोर एरिया में, समुद्री सीशोर एरिया में, जहां का जो प्लेस है वो क्या होगा डैम्प होगा, डैम्पी होगा,
वहां का जो है वो दलदली होगा, उस एरिया में क्या होता है, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन है नेमेटोफोर के बेस में मॉडिफाइड किया गया, जिसमें इसका एग्जांपल अगर जान लीजिए स्टूडेंट, यहां से मेडिकल के एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहता है, कोशिश करेंगे आप लोग के एग्जाम्पल ज्यादा याद होना चाहिए, जिस बेस पे आपका वो क्वेश्चन भी रहता है नीट वगैरह। देखिए जो डैम के बेस पे जो स्वाम्पी एरिया है, तो एग्जाम्पल है आपका राइजोफोरा, कौन सा प्लांट है, राइजोफोरा प्लांट। आप जानते हैं नेमेटोफोर जो समुद्री या सीशो एरिया में पाया जाता है वहां होता क्या, मान लीजिए वहां पे जो आपका जो राइजोफोरा है, उस राइजोफोरा में जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स है उसका जो रूट का डायरेक्शन होगा, आप जानते हैं कि रूट का जो मूवमेंट होता है दो तरह से होता है, एक हो जाता है होता है पॉजिटिव डायरेक्शन एंड निगेटिव डायरेक्शन। हियर टू डिस्कशन अबाउट, यहां जो अगर डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन सा होगा, आप जानते हैं आपने पढ़ा भी होगा, कहते हैं मेनी टाइप्स ऑफ द मूवमेंट, जियोट्रॉपिज मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिज मूवमेंट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इन द प्लांट्स। हियर इस मूवमेंट को जियोट्रॉपिज कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ पे हो रहा है ना। अब इसका मोमेंट क्या होता है, इसका रूट का डायरेक्शन ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आप जानते हैं क्योंकि ये दलदली एरिया है, ये सीशोल एरिया है, टैपी एरिया है, जिस टैपी एरिया में यहां इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप जानते हैं ये जो राइजोफोरा है, ये राइजोफोरा, ये प्लांट्स का जो फंक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करेगा, तो आप जानते हैं ये जो स्ट्रिंग एरिया है यहां से क्या होगा, यहां से एक उभार पैदा होगा, एक प्लांट्स का छोटा छोटा प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, डेवलप करेगा, और इसका डायरेक्शन कौन होगा, इसका डायरेक्शन होगा निगेटिव जियोट्रॉपिज। अब जान वैसे डाटे का निगेटिव डायरेक्शन, तो अगर मान लिया कोई लाइट पड़ रहा है, मान लीजिए सपोज लाइट पड़ रहा है, लाइट के केस में अगर मूवमेंट हो रहा है तो आप जानते हैं वहां फोटोट्रॉपिंग होता है, अवे फ्रॉम द लाइट डैट इज निगेटिव डायरेक्शन। तो यहां आप देख रहे हैं, यहां जब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव था और ये प्लांट स्टेम से ऊपर डेवलप किया, ऊपर ग्रो किया, इससे क्या होता है, आप जानते हैं इस साइड में आप ये जो प्लांट्स है, ये जो राइजोफोरा का प्लांट्स है, तो यहां पे फोर्स होता है, जिस फोर्स के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस तरह से प्लांट यहां सर्वाइव करता है। तो क्या देखा आपने, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन के बेस पे जो रूट्स है नेमेटोफोर्स, वो रूट्स कहां डेवलप कर रहा है, सीशो एरिया, उसका रूट का डायरेक्शन है मतलब एक डिसेंडिंग डायरेक्शन होता है, वहां ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, वहां रेस्पिरेशन नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज होता है, इसके आगे यहां जो प्लांट्स जब यहां रूट्स ग्रो करता है तो इसका डायरेक्शन निगेटिव जियोट्रॉपिज होता है, वहां उसे क्या होता है, ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, इसे एक्सचेंज ऑफ कर सकते हैं। दीज आर द ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन टैप रूट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इस बीच रूट को एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट आप जानते हैं स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, तो स्टूडेंट आप जानते हैं फूड के स्टोर के बिना फिर वैसे भी जानते हैं, ये बहुत यूनिक टर्म है स्टोरेज ऑफ, अगर ये अगर प्लांट्स केस की बात करें या एनिमल्स की केस की बात करें, अब ये यहां हम प्लांट्स की बात करेंगे, अगर हम लोग जानते हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड जो अगर सिर्फ हम लोग खाएं और सोए रहे तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी मोटा हो जाएगा, हमारा बॉडी फूल जाएगा,
हम वहां वर्क नहीं कर रहे हैं, वहां क्या होता है वो जो फूड है वो हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर रहता है। उसी तरह से अगर उसी तरह से कहा जाए प्लांट्स के केस में, तो प्लांट के केस में वैसे भी आप जानते हैं कि इसका जो फूड का स्टोरेज कहाँ होता है, आप कहेंगे ना लीफ में होता है, बिल्कुल सही लीफ में होता है। लेकिन यहां जो फूड का स्टोरेज का फॉर्म होता है डिफरेंट मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द रूट्स होता है। आप यहां जानते हैं कि ये लीफ के फॉर्म में होता है, तो लीफ के फॉर्म में ठीक है फूड स्टोर रहा। वैसे भी जानते हैं जो ऑर्गेनिक से प्लांट्स का आपने नाम सुना होगा उसका नाम है क्या चीज, उसका नाम है प्लास्टिक। डिफरेंट पार्ट होता है, डिफरेंट पिगमेंट स्ट्रक्चर पिगमेंटेशन होता है, जिसको आप जानते हैं ना वहां पे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट लीकोप्लास्ट, यहां पे आपने लीकोप्लास्ट का नाम सुना कि डिफरेंट टाइप्स का होता है पिगमेंट्स का। इस लीकोप्लास्ट में ये क्या कलरलेस प्लास्टिक है, और ये जो लीकोप्लास्ट है ये फूड को स्टोरेज करता है। इस फॉर्म में फूड को स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म, फूड को स्टोरेज करता है प्रोटीन्स के फॉर्म, फूड को स्टोरेज करता है एमिनो एसिड के फॉर्म। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का जो लीकोप्लास्ट है, आप जानते हैं कि माइलोप्लास्ट एलियोप्लास्ट एलियोप्लास्ट, ये सब जो पिगमेंटेशन जो पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट का, ये फूड के फॉर्म में क्या करता है स्टोर करता है। तो कहा जाता है कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ जो फंक्शन है टैप रूट का, वो हमें किस फॉर्म में मॉडिफाइड होकर डिवाइड कर जाता है, तो आप देखेंगे कि टैप के ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया।